हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सूचरिंग टेक्निक। प्रिंसिपल्स ऑफ सूचरिंग टेक्निक को हम समझेंगे क्या होते हैं। काफ़ी समय से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे सूचरिंग के ऊपर वीडियोस के लिए, तो इससे स्टार्ट करते हैं, फिर आगे और भी वीडियोज़ इसके लिए लेके आएंगे। क्योंकि सबसे पहले हमें प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे कि कैसे क्या क्या टाइप्स होते हैं, सूचर मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, सूचर टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, वो सब हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। आज हम सूचर टेक्निक के प्रिंसिपल्स देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है। और अगर चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेड बटन को क्लिक करके, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। इससे जो नोटिफिकेशन है नए वीडियोज़ की, वो आपको मिलती रहेंगी। चाहे तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम के पेज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो आज हम समझ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सूचरिंग। सूचरिंग क्या होती है वो आप लोगों को पता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है ग्रास्पिंग, कैसे आपको होल्ड करना है। तो जो हमारी नीडल होती है उसको आपको 2/3 फ्रॉम द टिप या फिर 1/3 फ्रॉम द आई, जो उसका एंड होता है, ऐसे आपको ग्रास्प करना है। 2/3 फ्रॉम द टिप और 1/3 फ्रॉम द आई, ऐसी कर्व नीडल हम यूज करते हैं। इसके यहाँ पर आई होती है या होल्ड हम जहाँ से करते हैं, लगभग इस एरिया से आपको होल्ड करना होता है। इसको आप एंड से होल्ड नहीं करेंगे, सबसे वीकेस्ट पार्ट वो होता है। तो ये हो गया ग्रास्पिंग, कैसे आपको होल्ड करना है। और होल्ड करने के लिए हम नीडल होल्डर का यूज़ करते हैं, नीडल होल्डर से आपको यूज़ करना है। सेकेंड है, नीडल शुड एंटर परपेंडिकुलर इंटू टिश्यू। जब हम टिश्यू में एंटर कर रहे हैं तो जो टिप है नीडल का, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो टिश्यू है उससे 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। थर्ड है, जो नीडल है, नीडल पास थ्रू दी टिश्यू अलोंग इट्स कर्वेचर। जैसे हमने बात की कि हम कर्व नीडल यूज़ करते हैं, तो जो टिश्यू है उसमें हम अलोंग इट्स कर्वेचर जाएंगे, कर्वेचर को फॉलो करते हुए हमें इंसर्ट करनी है, ताकि जो टिश्यू है वो टियर ना हो, टिश्यू टूटे नहीं। आगे चलते हैं। फोर्थ, सूचर शुड बी पास डेट एन इक्वल डेप्थ एंड डिस्टेंस फ्रॉम द इंसिजन। जो सूचर की डिस्टेंस है और डेप्थ है वो इक्वल होनी चाहिए, 2-3 mm लगभग ये होनी चाहिए। आगे हम नीचे समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको। आगे चलते हैं। नीडल ऑलवेज पासेस फ्रॉम मूवेबल टू फिक्स्ड टिश्यू। ये तीन पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं और याद हो जाएंगे आपको, क्योंकि लगभग एक जैसे हैं और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लेंगे अभी के अभी। नीडल ऑलवेज पासेस फ्रॉम मूवेबल टू फिक्स्ड टिश्यू। जो मोबाइल टिश्यू होगा उसको हम पहले इंक्लूड करेंगे, वहाँ से हम फिक्स्ड टिश्यू, जो फिक्स्ड है वहाँ पर जाएंगे। मूवेबल टू फिक्स्ड टिश्यू, जो नीडल है हमें कैसे यूज करना है वो हम देख रहे हैं। और सिक्स्थ है, नीडल ऑलवेज पासेस थ्रू थिनर टू थिकर टिश्यू। जो पतला टिश्यू होगा, थिनर टिश्यू होगा, उसको हम पहले इंसर्ट करेंगे, जो हमारी नीडल है, और हम फिर हम जाएंगे थिकर टिश्यू की तरफ। और जो सेवन्थ है, नीडल ऑलवेज पासेस फ्रॉम डीपर टू सुपरफिशियल टिश्यू। डीप टिश्यू को हम पहले इन्वॉल्व करेंगे, पहले हम उसमें इंसर्ट करेंगे, फिर हम सुपरफिशियल सरफेस में आएंगे। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा जो नीडल है कैसे जानी चाहिए, मूवेबल टू फिक्स्ड टिश्यू, थिनर टू थिकर टिश्यू और डीपर टू सुपरफिशियल टिश्यू, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। एट, सूचर नॉट शुड वन साइड टू द इंसिजन लाइन। जो हम नॉट करेंगे, नॉटिंग करेंगे सूचर की, ये हमारी इंसिजन लाइन है जो हम सूचर दे रहे हैं, इसकी जो हम नॉट बनाते हैं वो एक साइड होनी चाहिए, जो हमारी इंसिजन लाइन है उसके एक साइड, लेफ्ट या राइट जहाँ पर भी आप कर रहे हैं, वो इंसिजन लाइन में नहीं होनी चाहिए। जो इंसिजन है हमारा उसके ऊपर कभी भी नॉट नहीं होनी चाहिए, वो एक साइड होनी चाहिए, वन साइड। लेफ्ट राइट वो आप पे डिपेंड करता है आपको कहाँ करना है। अगला है टाइंग के बारे में, कैसे हमें इसे टाई करना है। नॉट शुड नॉट टाइट टाइटली। जो हम अभी हमने नॉट की बात की कि हमें एक साइड लगानी है, इसको बहुत ज़्यादा टाइट आपको नहीं करना है। टिश्यू शुड नॉट ब्लेंच, इसमें ब्लेंचिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो टिश्यू ब्लेंच हो जाएगा। और जो डीपर टिश्यू है उनको भी हम जब इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उनको अंडर टेंशन हमको नॉट नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। नाइन्थ, इसके बाद जो मैं ऊपर आपको बोल रहा था कि नीचे आपको क्लियर हो जाएगा, जो दसवें नंबर है, टेंथ है, रूल ऑफ थ्री से आप इसको याद रख लें, अभी के अभी आपको याद हो जाएगा।
ये देखिए 3 mm 3 mm 3 mm 2 to 3 mm होता है, तो ये 3 mm आपको याद रखना है। कैसे? 3 mm डिस्टेंस बिटवीन टू सुचर्स, जो दो सुचर हम लगा रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस 3 mm होनी चाहिए। इसके बाद 3 mm डिस्टेंस फ्रॉम इंसिजन लाइन, जो हमारी इंसिजन लाइन है उससे 3 mm कम से कम डिस्टेंस होनी चाहिए दोनों साइड, बोथ साइड 3 mm डिस्टेंस होनी चाहिए सुचर की। इसके बाद डेप्थ, 3 mm डेप्थ फ्रॉम इंसिजन, जो हमारा इंसिजन है उससे लगभग 3 mm की डेप्थ होनी चाहिए, जो हम नीडल इंसर्ट कर रहे हैं 3 mm तक जानी चाहिए। तो इसको रूल ऑफ थ्री से आप याद रख सकते हैं, 3 mm डिस्टेंस बिटवीन टू सुचर, 3 mm डिस्टेंस फ्रॉम इंसिजन लाइन, 3 mm डेप्थ फ्रॉम इंसिजन। आगे चलते हैं, तो ये जो हमारे प्रिंसिपल्स थे वो हो गए कैसे हमें देना है। उसके बाद रिमूवल के बारे में लिखा होगा कि सुचर को हम कब रिमूव करते हैं। तो जो स्किन सुचर होते हैं, स्किन में जो हम सुचर दिए होते हैं उसको हम 5 days में रिमूव कर देते हैं, और जो इंट्रा ओरल सुचर हैं जो हमने अंदर दिया हुआ है मुंह के किसी भी प्रोसेस के बाद, एक्सट्रैक्शन के बाद या सर्जिकल प्रोसीजर के बाद, उसको हम 7 days में रिमूव कर देते हैं, या फिर 10 days इफ नॉट हील्ड, अगर हील नहीं हुआ है घाव अभी भी है तो आप उसको 10 दिन बाद भी निकाल सकते हैं, जनरली 7 days में हम निकाल लेते हैं। तो ये हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सूचरिंग, इनको आपको अच्छे से याद रखना है, चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये हमें सबसे पहले पता होने चाहिए सूचरिंग के लिए। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सूचरिंग टेक्निक, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दें। एग्जाम पॉइंट से भी अच्छा क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए, और प्रैक्टिकली भी हमें पता होना चाहिए, जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं पेशेंट में तो हमें पता होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा और किन टॉपिक पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।